हेलो गाइज, क्या हाल चाल। एंड गाइज, स्वागत है आपको हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइज, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, यानी कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेते हैं तो आपको सेम टू सेम इतना ज़्यादा फेस वाइट करना और बैकग्राउंड सेम टू सेम ऐसा बनाना ऑरेंज कलर आप लोग को आ जाएगा गारंटी के साथ, वो भी 100% नहीं, पूरे पूरे 110% गारंटी के साथ। क्योंकि गाइज यार, मैं कसम खाया हूँ कि इस वीडियो में आप लोग को एडिटिंग सिखा कर रहूँगा और आपको पता है कि मैं कंटिन्यू नहीं हूँ, तो इसके लिए सॉरी। क्योंकि गाइज यार, तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं, आज से मैं डेली कोशिश करूँगा वीडियो लाने के लिए। तो देख लीजिए, आज के इस वीडियो में फुल HD फोटो एडिटिंग वीडियो लाया हूँ, जो कि सेट कंसेप्ट है। एंड आप लोग देख सकते हैं फोटो हमारा कितना ज़्यादा हार्ड लग रहा है और मैं कैसा बैकग्राउंड था और कैसा एडिटिंग किया हूँ। तो देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को फुल वॉच करना है एंड आपको भी सेम टू सेम एडिटिंग करना आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई देरी एंड बिना किसी वक्त चौधरी के। तो देखिए भाई लोग, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, बिना एडिटिंग वाला फोटो को ले लीजिएगा, जो कि हमारा ये रहा बिना एडिटिंग वाला फोटो। और हम लोग क्या करेंगे, इसको जाएंगे शेयर वाले ऑप्शन पे और आपको नीचे देखिए बहुत सारा एप्लीकेशन दिखाई देगा, तो आपको फ़ोन में लाइट रूम होगा तो आपको ऐड टू LR पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए फोटो हमारा लाइट रूम में चला गया है। फिर आप लोगों को क्या करना है, लाइट रूम को ओपन कर लेना है। देखिए मैं अब बात, तो देखिए उसके बाद हमारा फोटो यहाँ पे आ चुका है, देख लीजिए लाइट रूम में। और देखिए आपको मैं एक प्रीसेट दे दूंगा, ऑरेंज प्रीसेट, इस प्रीसेट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो फिर आपको जाना है 3 डॉट पे, कॉपी सेटिंग पे जाना है और आपको नीचे वाले को मार्क लगाना है, सही पे क्लिक कर देना है। देखिए सेटिंग कॉपी हो चुका है, हमको इतना ही सेटिंग करना है, इसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं कीजिएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने फोटो पे जाएंगे, जो भी फोटो आप लोग बना रहे हैं। और देखिए मैं आपको कितना देरा बोल बोल कर समझा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फिर हमको जाना है 3 डॉट पे, पेस्ट सेटिंग पे जाएंगे। देखिए 1 क्लिक एंड बैकग्राउंड हमारा कितना मस्त, कितना लाजवाब हो चुका है। तो आप लोग को भी इतना काम कर लेना है। और इतना काम करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग डायरेक्ट शेयर कर दीजिएगा फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। और आप लोग को पता होगा कि फोटो रूम से हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को ब्लर है। तो देखिए हम लोग फोटो रूम क्लिक कर दिए हैं और आपका नेट फास्ट रहना चाहिए, तभी फोटो रूम जल्दी से वर्क करेगा, वरना कोई कोई टाइम लग जाता है। तो देखिए हमारा स्कैनिंग चालू हो चुका है और बैकग्राउंड ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा कुछ ही पल, यानी कि कुछ ही सेकंड के अंदर। तो देख लीजिए ये स्कैनिंग चल रहा है, जो कि आपका नेट अगर फास्ट होगा तो फास्ट करेगा, स्लो होगा स्लो करेगा। तो मतलब नेट अभी फिलहाल में स्लो है, तो इसलिए स्लो काम कर रहा है। तो देख लीजिए उस पर कुछ ऐसा हमारा इंटरफेस आ जाएगा। फिर देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लर का, हमको इस पर क्लिक कर देना है। फिर देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको बैकग्राउंड पर जाना है, फिर आपको एडजस्ट पर जाना है, फिर आपको इतना सारा ऑप्शन मिलेगा। तो आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा नीचे, देखिए ब्राइटनेस हम ज़्यादा कर दिए हैं, जितना था उतना हम कर देते हैं। देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला ब्लर के नीचे तीर का, तो हम तीर पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको 2 नंबर वाले ब्लर को लेना है और इसके ब्लर पॉइंट को कुछ इतना कर देना है। देखिए इतना पे आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, बट मैं इसको इतना कर देता हूँ। फिर आपको आना है इधर और आपको देखिए वर्थ पे जाना है और इसको आपको क्या करना है, लो करना है। देखिए बैकग्राउंड 2 कलर का कितना मस्त लग रहा है। फिर आपको सिचुएशन पे आना है और आपको क्या करना है, सिचुएशन को कुछ हाई इतना कर देना है। फिर देखिए हम बैकग्राउंड कितना टॉप एकदम लग रहा है, कमाल का। तो इतना काम आप लोग करने के बाद क्या कीजिएगा, इसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा PicsArt एप्लीकेशन के अंदर। देखिए गाइस कितना आसानी से मैं इतना काम तो कर लिया हूँ। फिर आपको PicsArt में चले आना है और मैं आपको सारा PNG और सारा कुछ बताऊँगा किस तरह लगाना है। सबसे पहले देखिए ये लोगो लिखा हुआ है फोटो रूम का, तो आप लोग इसको स्नैपशीट से भी हटा सकते हैं या फिर आप लोग PicsArt में जाकर रिमूव पे जाकर आप लोग इससे भी हटा सकते हैं लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों को आप लोगों का ये वर्जन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग स्नैपशीट में जाइएगा और हीलिंग का यूज करके आप लोग इसको हटा लीजिएगा। तो मैं PicsArt से हटा लिया हूँ क्योंकि मान लीजिए PicsArt में आए हैं तो PicsArt से हटा लिए। देखिए इतना काम के बाद मैं आपको 2-3 PNG दे दूंगा, 2-3 PNG को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम फटाक से 2-3 PNG अपना ले लेता हूँ, जो भी PNG हमको लगाना है। तो देखिए हम चलते हैं PNG फोल्डर में और हम अपना PNG सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह हम चलते हैं नीचे और सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम तीनों PNG ले लिए हैं और हमको ऐड पे क्लिक कर देना है। फिर देखिए 3 PNG है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखिए नीचे कर देंगे और सबसे पहले इसको लगाना है। तो हम जाएंगे कहाँ पे, ब्लेंड पे और स्क्रीन करके कुछ इसको हमको यहाँ पर रख देना है। फिर आपको देखिए यहाँ पर रखने के बाद फिर हम इस पर जाएंगे और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंड पे जाएंगे, स्क्रीन करके कुछ इसको यहाँ पे लगा देंगे। देखिए यहाँ पे
फिर हमको इसको लेना है और इसको हम क्या करेंगे जूमिंग करके देखिए, इसको सबसे पहले जाएंगे फ्लिप पे और इसको फ्लिप कर देना है। फिर कुछ फ्लिप के बाद हमको यहाँ पे इतना पे लगाना है, देखिए इतना पे, देखिए इतना पे आप लोग लगा लीजिएगा। फिर आपको आना है एडजस्ट पे और हुई पे जाना है, इसको हाई करके इसको भी आप लोग ऑरेंज कर लीजिएगा, देखिए ऑरेंज कलर। फिर इतना काम होने के बाद देखिए फोटो हमारा कितना कमाल का लग रहा है, तो आप लोग भी इतना काम कर लीजिएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे ड्रॉ पे और फिर हमको फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। आप लोग तो इतना काम कर ही लीजिएगा क्योंकि इतना आसानी से मैं बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सारा कुछ जा रहा है, मैं जानता हूँ। क्योंकि गाइस यार आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं एंड हमारा इशारा ही काफ़ी होता है आप लोग के लिए, जो कि देख लीजिए कुछ इंस्टा का हमारा फोटो बन चुका है कितना मस्त। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ले चलेंगे डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। और गाइज आप लोग भी इसको शेयर कर दीजिएगा स्नैपसीड में। देखिए स्नैपसीड में हमको आने के बाद टूल्स पे जाना है, सिलेक्टिव पे जाना है, फिर आपको देखिए जहाँ पे भी अंधेरा है मार्क लगाकर सिचुएशन को लॉक कर देना है, यानी कि ब्राइटनेस को हाई करके सिचुएशन को लॉक कर देना है। फिर देखिए इसको हाई करके इसको लॉक कर देंगे, देख कितना मस्त हमारा फेस पे चमक आ रहा है। तो आपको यही काम करना है, सारा जगह यही काम कर देना है, यानी कि जहाँ पे भी अंधेरा पार्ट होगा वहाँ पे हम लोग को लाइटिंग वाइटिंग दे देना है, तभी फोटो हमारा मस्त लगेगा। देखिए कितना मस्त हम लाइटिंग दे दिए, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो देखिए गाइस बहुत लोगों को ये काम करना नहीं आता, यानी कि फेस पर लाइटिंग वाइटिंग देना नहीं आता, तो आप लोग को देख लीजिए इस तरह सीख लेना है कि इस तरह मैं लाइटिंग दे रहा हूँ सिलेक्टिव का मदद से। और इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले रेमनी एप्लीकेशन में फ़ोटो को शेयर कर देना है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि रेमनी से क्या होता है, फ़ोटो फुल HD हमारा बनता है। तो कुछ इस तरह हम लोग क्या करेंगे, रेमनी को ओपन करेंगे और ऊपर NH पे क्लिक कर देंगे, कुछ प्रोसेसिंग लेगा देख लीजिए 1-2 सेकंड तक। तो देखिए उसके बाद एक ऐड आ जाएगा 30 सेकंड का, हम लोग इसको स्किप कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए हमारा ऐड चल चुका है, फिर इसको कट पे क्लिक कर देना है आप लोग को। देखिए इधर से देखिए गाइस आप लोग इसका यूज नहीं करते हैं जिसके चलते आप लोग का फोटो HD नहीं होता, देखिए कितना ज़्यादा HD हो चुका है। फिर हम लोग को डाउनलोड पे जाना है, सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए एक और ऐड आएगा, हम लोग इसको भी फटाक से स्किप कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये भी ऐड चल चुका है, फिर इसको कट पे क्लिक कर देना है। देखिए हम फोटो फुल HD में अभी सेव हो जाएगा कुछ ही सेकंड के अंदर। देखिए नीचे प्रोसेसिंग का ऑप्शन चल रहा है, यानी कि फोटो हमारा सेव अभी हो रहा है, ठीक है। आप लोग इसको एस्केप मत कीजिएगा, देखिए सेव और सेव्ड इन गैलरी हो चुका है। चलिए मैं चलता हूँ गैलरी में और आप लोग को सिखा देता हूँ। और गाइस यार अगर आप लोग का कोई भी डाउट होता है या फिर आपका दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होता है यूट्यूब से बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में, तो आप लोग मुझे अपना भाई समझ कर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। तो देख लीजिए कितना मस्त फुल HD फोटो मेरा हो चुका है। तो इतना काम होने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा ऑटोडेस्क स्क्रेच बुक एप्लीकेशन के अंदर। और आपको पता है कि इससे हम लोग करते हैं फेस को स्मूथ और बहुत कुछ। तो देख लीजिए इसमें आने के बाद आपको जाना है ब्रश पे और आपको नीचे जाना है और नीचे जाना है, फिर आपको इस वाले देखिए स्मज का ऑप्शन मिलेगा, हमको इस वाले ब्रश को ले लेना है। सेटिंग कुछ हमको इतना रखना है और आप लोग को स्मूथ करना नहीं आता होगा, हमको पता है कि स्मूथ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जो ऊपर का हेड होता है देखिए इस तरह, देखिए मैं किस तरह ब्रश चला रहा हूँ, इस तरह आपको भी ब्रश चला चला कर स्मूथ करना है। और गाइजर बहुत लोग इस वाला पार्ट को स्मूथ जो होता है स्किप कर देते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि हम ऑटोमेटिक कर लेंगे, यानी कि अपने से कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है गाइज, बहुत मुश्किल होता है स्मूथ करने में, यानी कि सीखने में शुरू शुरू में। देखिए मैं किस तरह ब्रश चला रहा हूँ, जिस तरह फेस का आकार है ऊपर हमारा उसी तरह मैं ब्रश चला रहा हूँ एंड कितना मस्त स्मूथ देखिए ऊपर का हो चुका है। फिर मान लीजिए इस साइड गाल हमको स्मूथ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करना होता है, नाक ये जो है इसको साइड साइड में हम लोग इस तरह स्मूथ करते हैं, फिर जो मूंछ को ऊपर हम लोग इस तरह स्मूथ करते हैं, देख लीजिए कितना मस्त हमारा स्मूथ हो रहा है। तो आप लोग भी कुछ इसी तरह स्मूथ कीजिएगा, तभी फोटो मस्त स्मूथ होगा, देख लीजिए। तो देख लीजिए गाइज आप लोग इसी तरह आप लोग को स्मूथ करना है, तभी आपका फोटो मस्त बनेगा। जिस तरह आपका फेस का आकार होता है उसी तरह हमको स्मूथ करना होता है, देखिए कितना मस्त, देख लीजिए आप लोगों को पूरा इसी तरह स्मूथ करना है, तभी फोटो आपका मस्त स्मूथ होगा, देख लीजिए। मान लीजिए नीचे इस तरह फेस का आकार है, तो देखिए आप लोगों को मस्त तरीके से स्मूथ कर लेना, देखिए मैं किस तरह स्मूथ कर रहा हूँ, देखिए इस तरह, देखिएगा बहुत ही ज़्यादा आसान होता है स्मूथ करना, बस आप लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, यानी कि वीडियो फुल वॉच करते नहीं है, जिसके चलते स्मूथ हो नहीं पाता है, तो आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है। देखिए आप लोग को अच्छे तरह से इस तरह स्मूथ
कर लेना है। देख लीजिए मैं किस तरह स्मूथ कर रहा हूँ, देखिए कितना मस्त नाक जो हमारा है उसको जिस तरह आकार है नाक का उसी तरह हमको स्मूथ करना है। देखिए इस तरह कितना मस्त स्मूथ हो गया। फिर जो हमारा गर्दन हो गया इसको भी हम लोग क्या करेंगे इस तरह स्मूथ कर लेंगे, जो गर्दन तो बहुत ज़्यादा आसान होता है स्मूथ करना। देख लीजिए कितना मस्त स्मूथ हो रहा है, तो आप लोग को भी ऐसा स्मूथ कर लेना है। देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, और देखिए अगर आप लोग को लगे कि मैं वीडियो फास्ट बना रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को स्लो कर सकते हैं। तो देखिए इतना काम के बाद आप लोग को देख लेना है अच्छे तरह से कहीं पे छूटा तो नहीं है, और अगर छूटा नहीं होगा तो फिर मस्त है। तो देखिए इतना काम होने के बाद आपको आना है इस लेयर वाले पे, और प्लस पे जाना है आपको, इस पे जाना है, फिर आपको ऊपर एक ब्रश मिलेगा इस वाले ब्रश को लेना है, कलर आपको रेड रखना है दोनों, फिर आपको अपने ओठ पे यानी कि लाल कलर को सिलेक्ट इस तरह कर देना है। देखिए इस तरह देखिए कितना मस्त ये सिलेक्ट हो रहा है, तो आपको भी कुछ इस तरह सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको लेयर पे जाना है, ऊपर जाना है, इसको लॉक कर देना है। देखिए इतना पे फिर आप लोग मर्ज पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर आपको एक कोर लेयर बनाना है, और आपको देखिए इस तरह देखिए आपको इस तरह कुछ इस फील इस तरह कर देना है, यानी कि जो वाइट पार्ट है इस तरह हमको वाइट पार्ट पे पूरा लाल वाले कलर को हमको फील कर देना है। देखिए इस तरह फिर आप लोग लेयर पे जाकर इस पे जाकर इसको लॉक कर दीजिएगा। देखिए आपको आँख लाल कर देना, जैसे शेड फेस पे जो शेड रिएक्शन आ जाएगा। फिर आपको इस पे जाकर इम्पोर्ट इमेज पे जाना है, फिर आपको इस पे जाना है, और देखिए आपको मैं एक आंसू का पीएनजी दे दूंगा, उस पीएनजी को आप लोग को ले लेना है। तो देखिए मैं उस पीएनजी को ले लेता हूँ जो कि हम पिक्सआर्ट में रखे हैं उस पीएनजी को। देखिए उस पीएनजी को लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, इस तरह देखिए यहाँ पर लगाना है, देखिए यहाँ पर, फिर आप लोग को इस पे जाकर डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पे ऊपर वाले आँख पे लगा देना, यानी कि आप लोग जहाँ पे चाहे वहाँ पर लगा सकते हैं। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए हम फटाक से शेयर कर लेते हैं स्नैपसीड में। तो देखिए हमको स्नैपसीड में आने के बाद जाना है टूल्स पे, सिलेक्टिव पे जाना है, और आप लोग को क्या करना है इस तरह देखिए मार्क लगाकर जगह जगह पर वाइट कर लेना, यानी कि आप लोग को लगे कहीं पर ब्लैक पार्ट है तो वहाँ पर आप लोग को वाइट कर लेना। देखिए इस तरह कितना मस्त हमारा वाइट हो रहा है, तो आप लोग को भी इस तरह वाइट कर लेना है। फिर आप लोग को देख लीजिए नीचे यानी कि अच्छे तरह से वाइट करना है, तभी आपका फोटो मस्त लगेगा। देखिए इतना वाइट का, देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितना मस्त हो चुका है। फिर आपको आना है पोर्ट्रेट पे, और आपको देखिए इस तरह देखिए लोडिंग लगा, फिर आपको स्क्रीन स्मूथनेस को हाई करके इसको भी हाई कर देना है, और नीचे वाले को भी हाई कर देना है। देखिए इस तरह इतना काम आप लोग को कर देना है। देखिए उसके बाद देखिए बिफोर एंड आफ्टर, उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं और भी ज़्यादा लाइटिंग देना है तो आप लोग इस तरह लाइटिंग वाइटिंग दे सकते हैं चेहरा पे। देख लीजिए इस तरह कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आप लोग और भी मस्त लाइटिंग दे सकते हैं, बट मैं इसको इतना ही रहने दूंगा। देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर, देख कितना मस्त हमारा फेस एडिटिंग एंड बैकग्राउंड एडिटिंग हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।